वजन सभी कम करना चाहते हैं क्योंकि वजन से बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई है बढ़ते हुए वजन से, जो कि हार्ट डिजीज, लकवा, फैटी लिवर, डायबिटीज और तो और डिप्रेशन भी इसमें शामिल है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपके साथ फाइबर का रोल बढ़ते हुए वजन को कम करने में क्या है वो डिस्कस करना चाहती हूँ। फाइबर का नाम आप लोगों ने इसबगोल के नाम से सुना होगा, या हम लोगों का ऐसा आग्रह रहता है कि शायद हरी सब्जी खा ली तो पर्याप्त मात्रा में फाइबर मिल गया। तो चलिए जानते हैं फाइबर क्या होते हैं और इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है। फाइबर दो प्रकार के हमारे खाने में शामिल होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर और दूसरा होता है इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर आपके जो होते हैं वो मुख्यतः फ्रूट्स या सब्जियों में रहते हैं। तो सॉल्युबल फाइबर जो होते हैं वो फ्रूट्स और सब्जी में रहते हैं, और इनसॉल्युबल फाइबर का मुख्यतः स्रोत जो होता है वो सीरियल्स होते हैं। तो जितने भी होल ग्रेन्स के अनाज रहते हैं, अनाज जिसका छिलका न निकला गया हो, जिसको मोटा पीसा हो, लेग्यूम्स और बीन्स, लेग्यूम्स मतलब जो फलेदार सब्जियां होती है वो, और सीरियल्स में आपके मोटे अनाज भी आते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, गेहूं और दूसरे सब्जियां, लंबी फली वाली सब्जियां, राजमा वगैरह भी इसमें शामिल होती है। और दूसरा कुछ ओट्स, जई वगैरह भी इसके सोर्स होते हैं बार्ले फाइबर वाली डाइट के। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स इसमें सेल्यूलोज, मिथाइल सेल्यूलोज रहते हैं, लेकिन जो गेहूं का जो छिलका रहता है वो हेमी सेल्यूलोज का एक बड़ा अच्छा सोर्स है डाइटरी फाइबर का। तो दोनों सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर का एक बहुत ही बढ़िया रोल रहता है हमारी बॉडी में, न सिर्फ मेटाबॉलिज्म में अपितु इन्फ्लेमेशन कम करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। और गट माइक्रोब्स मतलब जो इंटेस्टाइन में ऑलरेडी जो आपके बैक्टीरिया है, उनके सही बैक्टीरिया के डेवलपमेंट में भी इन फाइबर का ही बड़ा रोल रहता है। और आजकल ये स्टडी से बता रही है कि पूरा आपका जो सिस्टम है, चाहे हार्ट हो या ब्रेन हो, हमारे इंटेस्टाइन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, जो कि आयुर्वेद भी ये बोलता था, मतलब जैसा खाओगे वैसा बन जाओगे। तो ये फाइबर्स क्या क्या आपको फायदा पहुंचाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है गट हेल्थ के लिए। गट का मतलब आंतड़ियों का इन्फ्लेमेशन कम करना, कॉन्स्टिपेशन को रोकना और मल को ठीक से बांधना, पेट को साफ रखना और बार बार भूख न लगना। मतलब फाइबर किन चीजों में नहीं होता है उनकी लिस्ट आप समझ लो। दूध में फाइबर नहीं है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स मीट में फाइबर नहीं है, ऑयल में भी फाइबर नहीं है। तो दूध, नॉन वेज और ऑयल, शुगर और प्रोसेस्ड फूड, जितने भी पैक्ड फूड आप बाजार से लेते हैं उसमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं रहता है, प्लांट सोर्स में ही फाइबर रहता है। तो इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है गट को, मतलब आंतड़ियों को अच्छा रखना, हेल्दी रखना। ये भी माना जाता है कि जो आजकल अल्सरेटिव कोलाइटिस या IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये सब आपके गट हेल्थ से रिलेटेड है और फाइबर की कमी इसका मुख्यतः कारण है। तो जब पेट अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। दूसरा इम्पोर्टेंट रोल है कोलेस्ट्रॉल को कम करना। ऐसा माना जाता है, स्टडीज ये बता रही कि अगर आप 8 ग्राम फाइबर डाइट में बढ़ा देंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल 9 मिलीग्राम से कम होने लगेगा। मतलब फाइबर का रोल आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल पर भी है। इसका मतलब है कि हार्ट डिजीज को रोकने में भी हाई फाइबर डाइट का बहुत ही बढ़िया रोल है। तो फाइबर खाएंगे तो हार्ट डिजीज का परसेंटेज कम होगा और वैसे ही आपके लकवे का परसेंटेज भी कम होगा। तो इम्पोर्टेंट बात पे हमें आती हूँ, डायबिटीज। डायबिटीज में भी इंसुलिन के गट ब्रेन एक्सिस के लिए या ग्लूकोज का ग्लूकोनियोजेनेसिस, लीवर से नया ग्लूकोज बनने में ये रोकता है। तो अगर डायबिटीज से बचना चाहते हैं या आपका डायबिटीज ऑलरेडी है उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, तो फाइबर अगर खाते हैं तो डेफिनेटली इंसुलिन का रेजिस्टेंट भी कम होता है और शुगर लेवल कम बढ़ता है। और इम्पोर्टेंट रोल है फाइबर का, वह है मोटापे पे, क्योंकि सेटाइटरी भी अच्छी होती है और ऐसा माना जाता है 2-4 केजी वेट लॉस होता है अगर आप पर्याप्त मात्रा में डाइट में फाइबर लेंगे। फाइबर से बहुत सारी स्टडीज ये बता रही है कि खाने पीने की प्रक्रिया या सेटिस्फेक्शन अच्छे से होता है मेंटल, और इसलिए कैलोरीज कंजम्पशन डेफिनेटली कम हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट रोल है वो है ब्रेन गट एक्सिस न्यूरो हार्मोन्स। यस, ब्रेन को भी या आपके हार्मोन्स, डिफरेंट हार्मोन्स या डिप्रेशन को भी हाई फाइबर डाइट रोक सकती है, ऐसा कुछ रिसर्च बता रही है। और वैसे ही फाइबर कितना खाना, अमाउंट बहुत ज्यादा है, 30-35 ग्राम्स मेल ने या फिर लेडीज ने
25 to 35 ग्राम फाइबर पर डे कंज्यूम करना है। और ये फाइबर्स के सोर्स डिफरेंट होते हैं, राइस और रूट वेजिटेबल और वेजिटेबल में ये सोर्स कम रहता है, मतलब कि लेस देन 10 ग्राम, 1 to 10 ग्राम पर 100 ग्राम। परंतु गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, लेग्यूम्स, छिलके वाली सब्जियां, जो फलीदार सब्जियां होती है, उसमें फाइबर पर्याप्त मात्रा में रहता है, अंदाजे से समझ लीजिए 10 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ मटेरियल। तो अनाज को आप साबुत मगर बगैर पॉलिश का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो ऐसा आजकल की स्टडीज बता रही है कि काफी सारी चीजें आपकी हेल्थ रिलेटेड सॉल्व होने लगेगी। तो आप प्रोसेस फूड से बचिए और फाइबर वाली डाइट पे आ जाइए। थैंक यू सो मच।